तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro का। और इस वीडियो में हम जानेंगे Redmi 8 Pro का फुल स्पेसिफिकेशन और फुल रिव्यू, साथ ही साथ जानेंगे इसका कैमरा और गेमिंग एक्सपीरियंस कि कैसा इसमें गेमिंग चलता है, फ़ोन हीट होता है या नहीं, सारा चीज़ जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये है Redmi Note 8 Pro का बॉक्स और यहाँ पर साइड में देखें तो Redmi Note 8 Pro और यहाँ पर लिखा है Amazon Alexa इनबिल्ट है। मतलब इस फ़ोन के अंदर आपको Amazon Alexa जो है इनबिल्ट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें आपको बॉक्स के साइड में नज़र आएंगी, यहाँ प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ। और फ़ोन के पीछे तरफ आपको फ़ोन के हाइलाइटेड फीचर्स जो है वो सारा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको और क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर में एक पेपर का केस टाइप का है और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा चलिए ओपन करके देखते हैं। तो इसके अंदर जो है एक मोबाइल का कवर है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सॉफ्ट है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। और इसके अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो इसको भी चलिए रख देते हैं। और यहाँ पर जो है आपको एक सिम इजेक्टर मिल जाएगा, अब इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या है। तो इसके ऊपर में जो है हमको हमारा Redmi Note 8 Pro मोबाइल जो है वो है, तो इसको भी चलिए ओपन करके देख लेते हैं। तो इस तरह का है Redmi Note 8 Pro और बैक में देखिए तो कुछ इस तरह का साइनिंग आ रहा है जो ब्लैक और डार्क ब्लू का मिक्स है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है फ़ोन। तो अब इसको भी रखते हैं साइड में, देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर में। तो ये कुछ बिल वगैरह है तो इसको भी रखते हैं साइड में। और इसके बाद आपको मिलेगा एक सी पोर्ट केबल, चार्जिंग केबल आपको मिलेगा। और इसके बाद में आपको जो है एक मिलेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर, ये है वो चार्जर, 18 वाट का फास्ट चार्जर है जो आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थे बॉक्स के अंदर के कंटेंट जो आपको बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए इसका जो है हम ऊपर का कवर निकाल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ़ोन की लुक की बात करें तो फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लुक है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ़ोन, इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ साइड में अगर देखें तो यहाँ वॉल्यूम अपन डाउन का की मिलेगा, पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, नीचे आपको जो है स्पीकर मिलेंगे, साथ ही साथ चार्जिंग केबल डेटा केबल मिलेगा और यहाँ 5mm जैक पिन मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको दो सिम और एक मेमोरी कार्ड का पोर्ट मिलेगा। Redmi Note 8 Pro जो है तीन वेरियंट में अवेलेबल है, 6GB 64 इंटरनल, 6GB 128 इंटरनल और 8GB 128 इंटरनल के साथ। इसके अलावा दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में दो सिम एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको एक स्लॉट में एक सिम और एक मेमोरी कार्ड और एक जो है एक्स्ट्रा आपको सिम का स्लॉट मिलेगा जो कि आप एक्स्ट्रा सिम लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.53 का जो फुल HD IPS डॉट नॉच का आपको डिस्प्ले मिलेगा। फ्रंट और बैक जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ मीडियाटेक का हिलियो G90T मिलने वाला है जो कि 2.0 GHz पे रन करेगा। इसके अलावा दो कोटेक्स जो है आपको A76 मिलने वाला है, 6 कोटेक्स जो है आपको A55 मिलने वाला है। माली G76 का जो है आपको GPU मिलने वाला है जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इंक्रीज करेगा, यानी कि आप पबजी वगैरह जो खेलते हैं तो आप फुल HD में जो है अल्ट्रा मोड में आप खेल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ अगर आप इस पे गेमिंग खेलते हैं तो आपको लिक्विड कूलिंग का भी सिस्टम है, यानी कि आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो इसको कूलिंग करने के लिए जो है लिक्विड कूलिंग का भी जो है सिस्टम दिया हुआ है। दोस्तों इसके रियर कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है जो कि 64 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है जो कि 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें फुल HD EIS के साथ मिलेगा और 960 FPS के साथ जो है आप इसमें स्लो मोशन भी कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलने वाला है, 2 मेगापिक्सल का जो है आपको डेप्थ मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का जो है आपको माइक्रो शॉट लेने के लिए जो है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलने वाला है। दोस्तों इसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको जो है यहाँ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जो कि F/L 2.0 aperture मिलने वाला है। साथ में आपको पोर्ट्रेट और ब्यूटी का जो है ऑप्शन आपको मिलने वाला है। बैटरी बैकअप की यहाँ बात करें तो बैटरी आपको 4500 mAh का जो है बैटरी मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको 18 वाट का जो है फास्ट चार्जर मिलने वाला है जो कि आपकी फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज करने में हेल्प करेगी।
दोस्तों बात करते हैं अब गेमिंग एक्सपीरियंस की और फ़ोन की हीट की। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ जो है आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं मिलेगा, थोड़ा ब्राइटर रहेगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम रहेगा। मैं यूज़ करता हूँ ओप्पो F11 प्रो का, तो उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट की कमी है, बाकी कलर वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया है और डिस्प्ले तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। यहाँ पर जो है क्रिस्टल क्लियर जो है आप डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है HDR में जो है एक्सट्रीम में भी खेल रहे हैं, तो HD में भी आप यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा में। तो यहाँ डिस्प्ले में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और यहाँ जो है आपको काफ़ी स्मूथ आप गेम खेल सकते हैं, काफ़ी स्मूथ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ओप्पो F11 प्रो है जो उससे भी काफ़ी स्मूथ है आप अगर एक्सट्रीम में भी मतलब HDR में भी अगर खेलते हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं फ़ोन की हीट की, तो फ़ोन जो है इस जगह पे थोड़ा बहुत हीट हो रहा है और यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है। उसके बाद ओवरऑल अगर बॉडी पे के कहा जाए तो ज़्यादा हीट महसूस नहीं हो रहा है, मगर इस जगह पे आपको कुछ ज़्यादा ही हीट महसूस होगी। ओवरऑल अगर बात किया जाए कि फ़ोन पे हीट की, तो मैंने पूरा पबजी का एक मैच खेला है और मुझे ये महसूस हुआ है कि फ़ोन जो है थोड़ा सा हीटिंग इशू है और इसमें जो है थोड़ा सा हीट हो रहा है। दूसरा कोई फ़ोन नहीं है मेरे पास कंपैरिजन के लिए, मेरे पास है ओप्पो F11 प्रो, अगर उसके साथ मैं अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा फ़ोन हीट हो रहा है। तो दोस्तों ये था Redmi Note 8 Pro का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।